नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज की वीडियोज में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा कनेक्टिविटी, कि डेटा को कैसे आप कनेक्ट करेंगे ऑनलाइन सर्विसेज से। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप गेट डेटा में जाएंगे तो ऑनलाइन सर्विसेज में आपको फ्रॉम फेसबुक का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे फेसबुक के कॉन्टेक्ट लिस्ट को आप, या उसके जो डेटा है, उसके जो कनेक्शन टाइप्स हैं, उसको कैसे आप डाउनलोड करोगे एक्सेल सीट पे। तो कैसे करना है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में मेरा मोबाइल नंबर अपने मोबाइल फोन में स्टोर कर लें और मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज दें हाय का, क्योंकि कभी भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो हम आपको व्हाट्सएप की मदद से आपको हेल्प करेंगे पूरा का पूरा। क्योंकि हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलती है, जहाँ पे 54,000 से ऊपर स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्टेड है और पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम जाएंगे डेटा मेनू बार में, गेट डेटा, ऑनलाइन सर्विसेज, फेसबुक। फेसबुक में यहां जो ऑब्जेक्ट आईडी है उसको हमेशा मी रहने दीजिएगा। जी हाँ, ऑब्जेक्ट आईडी को मी रहने दीजिएगा, मी मतलब कि आपकी आईडी को। उसके बाद कनेक्शन टाइप में जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया फ्रेंड्स और हम ओके कर रहे हैं। अब ओके करते हैं, डायरेक्ट आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि मेरा जो है फेसबुक का अकाउंट लॉगिन था, वरना आप अपने फेसबुक के अकाउंट को लॉगिन कर सकते थे। जी हाँ, लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, उसको आपको लॉगिन करना है। फिर यहाँ पे अगर ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे तो एडिट क्वेरी पे चले जाएंगे, आप इस पे लोड पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ देखिए आपका लिस्ट लोड हो गया। तो इसमें पूरे फ्रेंड्स का लिस्ट नहीं आया है, जो लोग एम्बेड किया होंगे सिक्योरिटी को, उन्हीं का लिस्ट आता है। और चलिए, और क्या क्या आ सकता है, तो मैं इस पे आता हूं और मैं इस बार ग्रुप्स को, इसमें ग्रुप्स नहीं, इसमें ग्रुप्स नहीं है, गेम्स है, लाइक है, मूवीज है, परमिशंस है, पोस्ट है, टेलीविजन है, तो मैं पोस्ट को लेके आता हूं। चलिए, तो जितने भी पोस्ट है यहां पे लिस्ट में मुझे दिख रहा है और मैंने इसको लोड कर दिया, तो यहां पे मेरे पोस्ट आ गया। और इसकी हेल्प पे मैंने क्लिक किया था, तो यहां पे देखिए इसके आप बता रहा है कि यहां पे क्या क्या चीजें हो सकती है। ये पावर क्यूरी के अंदर में आता है, इसको भी, इस आर्टिकल को भी आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, तो आप इस आर्टिकल को आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। ये सारे देखिए मेरे पास लिस्ट आ गया। तो चलिए एक बार और हम ट्राई करते हैं फेसबुक में, डेटा मेनू बार में आते हैं, मी के जगह पे मैं सिलेक्ट करता हूं कमेंट्स को। अच्छा, कोई कमेंट्स नहीं है डेटा में, इसलिए नहीं आया, बना आ सकता था, कमेंट नहीं है इसलिए यहां पे नहीं आया। तो इस तरह से आप अपने फेसबुक के डेटा को लोड कर सकते हैं। आप वो ट्राई कीजिए कि एक्सेल में फेसबुक के लिस्ट कैसे आएंगे। ऑफिस में अगर आपके साथ नहीं हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि ऑफिस में आपका फेसबुक बैन होगा, उसको ब्लॉक किया गया होगा, ऐसे कारण से नहीं आ रहा होगा, तो अपने पर्सनल पीसी पे आप आराम से देखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और किसी भी तरह के डाउट के लिए मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपके कॉल का, आपके व्हाट्सएप का इंतजार करूंगा। मेरा नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा।
साथ में आप हमारी पेन ड्राइव परचेज करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस की पेन ड्राइव, या फिर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो iptindia.com पे जाएं, वहां पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।